नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। देखिए, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत जो है संधि पर चर्चा करने जा रहे हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे आसान भाषा में आपको हिंदी ग्रामर कहीं नहीं मिलेगी, और संधि तो इससे आसान कहीं आपको मिलेगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, संधि को समझने से पहले हम हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझ लें तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो स्वर के बारे में आपको पता है कि स्वर जो होता है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, मतलब इनको बोलने के लिए किसी और जो है वर्ण की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अगर आप अ बोलें, आ बोलें, ई बोलें, ई बोलें, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, जो भी है ऐसा बोलते हैं तो आपको किसी और हेल्पिंग वर्ण की आवश्यकता आपको नहीं पड़ रही, ठीक है। और तो इसलिए इनको स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है खुद में ही पर्याप्त होते हैं। अब स्वर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। हर्ष माने क्या होता है? हर्ष का अर्थ होता है छोटा, जिसे बोलने में कम समय लगता है, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, जिसे बोलने में ज़्यादा समय लगे, ठीक है। तो ये देखिए, हर्ष जो होता है, जैसे कि अगर आप जैसे अ छोटा ई, मतलब एक होता है ई, इसको बड़ा ई बोलते हैं, एक ई होता है इसको छोटा ई बोलते हैं, और उ ये छोटा उ होता है, और री, ये ऐसे जो है वर्ण हैं इनको बोलने में समय जो है कम लिया जाता है, जैसे अ ई उ। और जब हम इसके आगे का जो वर्ण होता है, जैसे कि ये वाला उ और ई और ए ऐ, तो इन्हें बोलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं व्यंजन की। देखिए, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से उच्चारण होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप क की बात करते हैं, आप अगर अपने शब्द पे ध्यान दीजिए तो क और अ का उच्चारण होता है बाद में, तब जाके आप क कह पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप ख की बात करते हैं तो उसमें भी ग कहें तो उसमें भी, मतलब सब में जो है एक स्वर आता है सहायक के रूप में, तभी आप उस वर्ण को बोल पाते हैं, तो इसीलिए इसको व्यंजन कहा जाता है। व्यंजनों की जो संख्या वह 33 मानी गई है, कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है। दूसरा ये है कि द्विगुण व्यंजन, अगर इसको देखो अड़ बोलते हैं और इसको बोलते हैं अढ़, अगर अड़ और अढ़ को जोड़ दें तो व्यंजनों की संख्या हो जाती है कितनी? 35। तो ये जो है व्यंजनों की लिस्ट है, आप जान रहे हैं। देखिए, मैं PDF आपको जो है अवेलेबल करा देता हूँ, आप मेरे फेसबुक पेज से और मेरे ब्लॉग से, दोनों जगह से आप जो है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन माने क्या होता है? जुड़ा हुआ व्यंजन, दो व्यंजनों के योग से ये जो है व्यंजन बनते हैं। ये हिंदी में केवल 3 व्यंजन ऐसे हैं जो कि दो दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। जैसे कि एक होता है छ, तो इसमें जो होता है क, क वो भी अ का उच्चारण इसमें नहीं होता, आधा क इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है अ नहीं जुड़ता है। अगर अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा क बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे छ है तो आधा क और ये मूर्धन्य ष षड्यंत्र वाला, इसको मिला के तब बनता है ये छ। आप त्र की बात करते हैं तो आधा त और र मिलकर बनता है त्र। ऐसे ही आप ज्ञ की बात करें तो ज्ञ होता है ये देखिए आधा ज और ये च छ ज झ इया वाला इया मिलके तब जाके ज्ञ बनता है। तो इस तरीके से ये जो होते हैं ये 3 ऐसे ये वर्ण हैं जो कि संयुक्त व्यंजक कहे जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के भेद क्या होते हैं ये जान लीजिए तो आसानी रहेगी, कभी कभी जो है इस पे भी प्रश्न उठते हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, मतलब व्यंजन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श, दूसरा होता है स्पर्श संघर्षी, तीसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और चौथा होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो जो स्पर्श होता है, स्पर्श ये जो स्पर्श होता है इसमें देखिए कंठ, कंठ का मतलब होता है इन जो है व्यंजनों का उच्चारण जो होता है वो गले से किया जाता है, जैसे क ख ग घ अंगा, तो इनका उच्चारण जो है गले से होता है तो इनको कंठ कहा जाता है। दूसरा होता है मूर्धन्य, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मूर्धन्य, इनका उच्चारण तालू का मूर्धा भाग, यानी कि आपकी जीभ जो होती है वो आपके तालू के बीच में जाके टच करती है, वो भी बिल्कुल ऊपरी सतह को, जैसे ट ठ ड ढ अड़, ठीक है। ऐसे दंत,
इनका उच्चारण जो है दांत की सहायता से किया जाता है, जैसे आपकी जीभ जो होती है वो दांत को आके छूती है। त थ द ध न, ठीक है, इनको दंत कहा जाता है। और फिर बात करते हैं ओष्ठ की, ओष्ठ माने होठ, इनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है, जैसे प फ ब भ म। उसके बाद हम बात करते हैं व्यंजन के दूसरे प्रकार की, जिसको कहा जाता है संघर्ष स्पर्शी, मतलब इनमें मतलब कि संघर्ष स्पर्शी संघर्षी भी कहा जाता है, क्योंकि संघर्षण होता है इनको बोलने के लिए, जीवा का को संघर्ष करना पड़ता है। ये तालव्य एक होता है, तालव्य इनका उच्चारण जो होता है वह तालु से होता है, जैसे च छ ज झ यहाँ, ये इनका उच्चारण आप देख रहे हैं आपकी जीभ जो है आपको तालु को छूती है, इसलिए इनको तालव्य कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ माने अंदर का जो व्यंजन, इसको बोलने की आपकी जीभ आपके अंदर ही रहती है। तो जैसे आप बात करें य र ल व, तो यह जब आप बोलते हैं तो तालु का प्रयोग होता है, य र में आप दांत का प्रयोग करते हैं, ल में भी दांत का प्रयोग होता है, आपकी जीभ आपके दांत को टच करती है, और फिर दांत और नीचे का होंठ मिलकर व का उच्चारण करते हैं। ऐसे अगर आप बात करते हैं, देखिए अंतिम प्रकार है ऊष्म संघर्षी, इनको बोलने पे ऊष्मा का जो है अनुभव होता है, जैसे स ख स ह, तो स जब आप बोलते हैं तो तालु का प्रयोग होता है, क्योंकि आपकी जीभ आपके तालु को छूती है। इसको भी कुछ लोग स को उच्चारण देते हैं जब षड्यंत्र बोलते हैं, कुछ लोग इसको जब बोलते हैं तो खड़यंत्र ही बोलते हैं, तो इसमें अभी भेद है कि इसका क्या उच्चारण होता है। मैं इसका उच्चारण ख के रूप में करता हूँ, क्योंकि मुझे खड़यंत्र कहना ही सही लगता है। तो ख इसका तालु का मूर्धा भाग, और स फिर दंत मूल, दंत मूल मतलब जहाँ से दांत उगते हैं आपकी जीभ वहाँ आगे छूती है, और ह आपके सिर्फ स्वर यंत्र, मतलब आपको जीभ और तालु होंठ किसी का प्रयोग नहीं करना है, आप बोल सकते हैं बिना जो है इसका प्रयोग किए ह, ठीक है, इसलिए स्वर यंत्र। तो व्यंजन के चार प्रकारों से आप अवगत हो गए, हालांकि इनका जो है उपयोग नहीं है संधि में, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए, क्योंकि इससे जो है प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिर संधि की। देखिए जो संधि होता है क्या होता है, संधि का मतलब ही होता है जुड़ना। तो दो वर्णों के आसपास, मतलब जब पास पास दो वर्ण आ जाते हैं तो उनमें एक विकार हो जाता है, जब आप उसका उच्चारण करते हैं जल्दी से तो एक नया ही शब्द बन जाता है, तो उसे कहते हैं संधि। तो उदाहरण मतलब इसकी परिभाषा होती है कि दो वर्णों के आसपास आने पर उसमें जो विकार सहित मेल होता है, देखिए मेल होता है लेकिन विकार सहित होता है, उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, हिम धन आलय, अगर आपसे कहा जाए बोलिए हिम धन आलय, हिम आलय बोलिए, तो आप बोलेंगे हिमालय। रमा धन ईश रमेश, तो इसमें आप दो शब्द मिलके एक शब्द बन रहे हैं, और इसे जो है संधि कहते हैं। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है फ्रेंड्स। देखिए एक होती है स्वर संधि, स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन के बारे में भी आपको बताया। तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब होता है जिन अक्षरों, मतलब दो ऐसे जो है शब्दों का योग जिनमें पहला जो शब्द हो वो कम से कम उसके आगे विसर्ग लगा हो। तो जैसे अगर आप नी लिख रहे हैं, नी हो इसको पढ़ा जाता है, चित लिख दीजिए तो इसको पढ़ा जाएगा निश्चित, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, देखिए स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, फिर होता है गुण स्वर संधि, तीसरा है यण, चौथा है वृद्धि, पांचवा है अयादि। शॉर्टकट में अगर आप इसे याद करना चाहें तो द्विगुण बयादि के नाम से आप इसे याद कर लीजिएगा। दी से दीर्घ, गु से गुण तो एक ही हो गया, ब से वृद्धि, यादि से यण, और अयादि को हमने से द लिया है, तो द्विगुण बयादि के नाम से आप इसे शॉर्टकट में याद कर लीजिएगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि क्या होती है ये आप जान लीजिए। दीर्घ स्वर संधि जब दो सवर्णी स्वर, जब एक ही प्रकार के जो स्वर होते हैं वो पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, जैसे कि पुस्तक क है ना पूरा, तो क में अ मिला हुआ है, फिर दूसरा भी जो वर्ण मिल रहा है आके आ, धन ऐसे मिलता है बनता है आ, तो अ और अ मिलकर क्या बन जाएंगे आ, और नया शब्द जो बनेगा उसको कहा जाएगा पुस्तकालय। तो इसमें क जो है ये संयुक्त, ये ही संयुक्त अक्षर है, तो इसमें आ का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, जैसे हिमालय हिम है, म धन अ, और फिर आलय आ, तो अ और आ मिलकर हो गए मा, और आ मिलकर मालय, तो हिमालय,
इस तरीके से कवि धन इंद्र में कविंद्र, गिरि धन ईश में गिरीश, परम धन अर्थ में परमार्थ और स्वधन अर्थ में स्वार्थ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब दो समणी स्वर पास पास आ रहे हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब या तो आ का उच्चारण आएगा या तो बड़ी ई का उच्चारण आएगा संयुक्त अक्षर में, ठीक है, तो उसे कहेंगे दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं गुण स्वर संधि के बारे में बात करते हैं। गुण स्वर संधि जो होता है, यदि अ और आ के बाद, यदि से पहले अक्षर में अ आया या आ आया, उसके बाद जो है ई आ रही है या बड़ी ई आ रही है, तो मिलकर जो संयुक्त अक्षर बनेगा, दोनों को जोड़ने वाला जो अक्षर होता है उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं, वो ए हो जाता है। इसी प्रकार जो है, अगर मान लीजिए अ के बाद उ आ रहा है, ठीक है, अ के बाद उ आ रहा है तो ओ संयुक्त अक्षर ओ हो जाएगा, और अगर अ के बाद जो है री आ रहा है तो संयुक्त अक्षर में अर जुड़ जाता है। उदाहरण देखते हैं, देवधन इंद्र, देव व में आप देख रहे हैं जुड़ रहा है तो अ इसमें से ले लीजिए, और इंद्र में आप इंद्र ले रहे हैं, अ और ई मिलकर क्या बन गए, ए, तो शब्द नया बन गया देवेंद्र। इसी तरह से नर धन ईश, र में अ आ रहा है और फिर ई सारा बड़ा ई, तो अ और ई मिलकर क्या हो गए, ए, तो हो गया रमेश। इसी तरह से भाग्य धन उदय में य का अ और पहले दूसरे शब्द का पहला अक्षर उ लिया तो बन गया ओ, भाग्यो, भाग्योदय। महाधन उत्सव में महोत्सव, और महाधन ऋषि में देखिए महा हा में आ रहा है और इधर री आ रहा है, तो पहले ही पता चल गया था अर जो है संयुक्त अक्षर में आएगा, तो महर, महर से महर्षि बन गया। आइए फिर बात करते हैं यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि में देखा, ई हो, बड़ा ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से आधा य, आधा व या आधा र में हो जाता है। जैसे इति धन आदि, तो हो गया इत्यादि। देव धन आवाहन, देव्यावाहन। सुधन आगत, स्वागत। अधिधन आदेश, अध्यादेश। प्रतिधन एक, प्रत्येक। निधन ऊन, न्यून। देखिए इसका सबसे आसान पहचान करने का तरीका ये होगा कि अगर कोई शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मतलब स्वर संधि है, और आपको जो उसमें संयुक्ताक्षर में आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो जो है यण स्वर संधि ही होगा। फिर बात करते हैं वृद्ध स्वर संधि की। वृद्धि में क्या होता है कि अ और आ के बाद ए या ए होने पर ए हो जाता है, और या फिर अ हो पहले अक्षर में या आ पे हो जाके खत्म होता हो, और दूसरा जो शब्द शुरू हो रहा हो उसका पहला अक्षर ओ हो या ओ हो, तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है जो संयुक्त अक्षर होगा वह ए या ओ से बनेगा। तो अगर कोई भी ऐसा जो है शब्द हो, मिश्रित शब्द जिसमें ए या ओ से मतलब संयुक्त अक्षर बना हुआ हो, तो उसमें वृद्धि स्वर संधि होता है। तो ये आसानी से पहचान करने का यह तरीका भी है। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है कि देखिए इसमें अ आय औ आव का उच्चारण हो जिसमें, उसमें अयादि संधि है। परिभाषा ये होती कि ए अ के बाद अन्य स्वर हो तो अ आय, ओ औ के बाद अन्य स्वर हो तो अव आव हो जाता है। जैसे ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, ओ धन अन पवन, ऐसे ही सोवन। तो इसको देखो एक नज़र में कैसे पहचानती है, मैंने पहले भी आपको बता दिया, अभी बता रहा हूँ कि अगर शब्द में आ या ई संयुक्ताक्षर हो, मतलब ये क्या होते हैं, आ भी दीर्घ है, दीर्घ स्वर माना जाता है, और ई भी जो है ये दीर्घ स्वर माना जाता है, तो अगर जो है संयुक्ताक्षर में आ और ई आ रहा है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। फिर यदि संयुक्ताक्षर जो होता है, दो शब्दों को मिलाने वाला अक्षर संयुक्ताक्षर, अगर ए या फिर ओ और अर पे खत्म से मिश्रित हो तो होता है गुण स्वर संधि, ठीक है। संयुक्ताक्षर जो है अगर आधा हो तो वहाँ पे होगा यणि, जैसे यण स्वर संधि, जैसे इत्यादि, अभ्यर्थी आदि।
संयुक्ताक्षर जो होगा वो अगर ए और ओ से हो तो वृद्ध स्वर संधि होगा, और अगर अ आ आए तो हो जाता है अयादि संधि। देखिए आगे बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि के मतलब होता है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूपांतरण होता है। देखिए जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, उसे स्वर या व्यंजन के मेल से जो रूपांतरण होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि आप जगतनाथ देख रहे हैं, तो जगत में जो है ये त आप देख रहे हैं आधा है, इसका मतलब ये हुआ कि त में अमिश्रित नहीं है। अगर त में अमिश्रित हो जाता तो ये त माना जाता, लेकिन यहाँ पे जगत में सिर्फ आधा त है। तो जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, जगत धन ईश वैसे ही जगदीश, सत धन गुरु सदगुरु, रात धन सत धन जन, ये सत धन जन बराबर सज्जन। ठीक है, ऐसे ही आधन छादन बराबर आच्छादन, अच धन अंत अजंत, उत धन घाटन उद्घाटन। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में ये आ गया कि जो व्यंजन स्वर संधि होता है, व्यंजन सॉरी व्यंजन संधि क्या होता है। तो ये कभी कभी उच्चारण करने में कुछ गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग इसको समझ लीजिए कि ये क्योंकि मतलब पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम, तो सॉरी इसके लिए। देखिए उसके बाद बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो देखिए इसको पहचानना सबसे आसान है, सबसे आसान इसलिए है कि अगर जो है कोई भी शब्द हो और आपसे कहा जाए कि इसमें मतलब विसर्ग स्वर संधि अगर होगा तो पहला शब्द में विसर्ग लगा होगा, मतलब कि जो दो शब्द होंगे जिन दो शब्दों के मिलने से ये संधि बन रही है उसमें एक शब्द में विसर्ग होना मस्ट है, तो ये विसर्ग स्वर संधि हो जाती है। जैसे कि मनह धन रथ मनोरथ, ऐसे ही नी धन चय निश्चय, दू धन कर दुष्कर। तो इस तरीके से आपने देखा कि संधि कितनी आसान है, और मैंने आपको संधि जो है अच्छे से बता भी दिया। आप लोग PDF डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, तो मैं दावा करता हूँ कि जीवन भर आपको संधि के लिए कुछ कोई कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम और भी उपयोगी जो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आप मेरे जो है चैनल को लगातार देख सकें। मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत करता हूँ और आपके लिए ही मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो ठीक है दोस्त, आज चलता हूँ। जय हिंद जय भारत।